मेरकन कुड़ा आसी मेरकन कुड़ा आसी मेरकन कुड़ा आसी कुड़ा आसी बता सीना सीना कोनी सियास सियास सीना सैनी है भाई सीना सैनी सीना सैनी है भाई सीना सीना गुंगी पड़िया सीना सैनी गुंगी 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 तू है मैं सैनी तो तू है गुंगी कौन है गुंगी मैं मम्मी है गुंगी मम्मी गुंगी है तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जा रहे हैं यात्रा पर उत्तराखंड की। आज सीधा पहुंचेंगे हिमाचल के पाउंटा साहिब और उसके बाद में उससे थोड़ा आगे पहाड़ों में उत्तराखंड के अंदर इस साइड से हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री बहुत आगे तक जाएंगे और वहाँ पे बहुत नदी होगी वहाँ पे सब पानी होगा पानी पहाड़ पहाड़। माजी जो जी क्या हाल चाल है दादी सांगले चले बेटा बात दादी तो कोई नहीं आ दादी चाल जी दादी मान काट काट के फिर बात आएगी ऐ देख स्वाहा यहाँ करते होंगे स्वाहा। देखो भाई ये रील बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं है? पंखे के ऊपर इस तरह से फूल लगा के अबे साइड में उड़ जाएगा बाद ऊपर को अंदर नहीं ऊपर जा साइड में उड़ जाएगा तो अभी हाँ बस अभी यहाँ पकड़ो वाह वाह चौको बताया जोर को बताया देखें पहले देखें देखें अरे एक रोटी लगानी है हाथ अरे रुक रुक हाथ यहाँ पकड़ अंगूठा पकड़ अरे अंगूठा पकड़ काकी को हाँ यहाँ अब सही है नहीं जच गया नहीं अरे यही वह यहाँ पड़ जाओ हाथ की पकड़ मजबूत भी हम ज्यादा पकड़ो है जोरदार अंगूठा हाँ यहाँ तैयारी कर ली ले जाओ फिर चलो और तेरे काकी कई दिन हो गया तो यहाँ खेत मैं जा गया जाओ भाई काकी तो चली जा गई थारे लहरों से फोड़ने तुम्हारा फूड के चीज को बता थोड़ी रोटी पानी कर देगी बाय कर तो कौन कौन करेंगे आज चला आज गिर चला क्यों बाय बाय ठीक 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 है ठीक। हम लोग क्या पेट्रोल भरा रहे हैं हरियाणा के अंदर आते ही भाई जी लगभग 30 एक लीटर कर दे ज्यादा ना करो आगे सस्तो ही सस्तो है सकला पेट्रोल भराने के लिए उतरा तब याद आई है ये रस्सी देख करके ऊपर जो हमारी बैग थी वो बैग तो पीछे छोड़ के आ गए। इसके अंदर हमारे सारे कपड़े थे बैग के अंदर पहनने के मेरे भी इसके भी बच्चों के सब कपड़े ऊपर बांधी थी रात को उतारी और अब भूल के आ गए। वैसे भी हम लोगों ने अभी देखो 9:30 बजे का टाइम हो गया है पीछे हिसार की बस के अंदर बैग मंगवा रहे हैं फोन करके बैग बस के अंदर आएगी फिर लेके आगे जाएंगे थोड़ा और लेट होगा और लेट हो जाएगा क्योंकि बस के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपने शायद सुना नहीं होगा घूमने के लिए गए बैग छोड़ के यहाँ पे आने के बाद में याद आई है मोतीपुरा के पास में इंसार 48 किलोमीटर है। कह रहे हैं कि थोड़ा सा बचा हुआ है ये भी पी लो अदरवाइज ज्यादातर लोग क्या होते हैं खराब हो जाता है बड़ा बड़ा फिर भी दोबारा नहीं डालते ना ले जूस पियो। अब भाई जब तक बैग आ रही है तब तक यही काम करना है जूस पियेंगे थोड़ी मैं सही करा लूं सेटिंग वेटिंग बनवा लूं वही कौन बेटा अब क्या हो सी पीसी देखो भाई ये जो सामने बस नजर आ रही है ना इस बस के अंदर है सामान सिवानी के अंदर आई है बस बस को फॉलो कर रहे हैं और मार्केट से दूध वगैरह ले लिया सिवन्या के लिए थोड़े फ्रूट ले लिए एक कट्टा हो गया यहीं पे सिवानी के अंदर ही। तो भाई बस वाला लेके नहीं आ रहा था सीधी बैग इसलिए साथ में किसी को लेके जाना पड़ेगा चुनावों का टाइम है ना इसलिए सोचा बैग के अंदर पता नहीं क्या जा सकता है इसलिए ठीक ठीक एक होटल पर ऐसे दूध गर्म करने के लिए रुके हैं भाई
सुनने के लिए पहले तो लिया था शिवानी से दूध। निसार भाई पास क्यों कर रहे हैं, दूध गर्म किया है ठंडा कर रहे हैं। केथल और सिरसा पहला बिचाल ले ये पिन्ने ले पिन्ने यहाँ बाकी तो गाड़ी चलाना सीख गई लेकिन पास नंबर के वो लगाना नहीं आता। पास नंबर अभी भी नहीं आता मतलब एकदम स्पीड में एकदम फास्ट तरीके से अच्छे से नहीं आता। बाकी सब एकदम फटाफट फास्ट है एकदम सब कुछ सीख गई लेकिन पास नंबर गियर है ना इसमें मेरे अभी भी दिक्कत आती है मुझे इतना फास्ट फटाफट नहीं होता। इतना सीखे तो ये भी सीख जाओगे चिंता मत करो। पांच नंबर गियर है ना बहुत मुश्किल होता है, पांच नंबर गियर हार्ड होता है, हर किसी के बस में नहीं होता, सीखना बहुत मुश्किल होता है। पांच नंबर गियर है ना अब मारू पड़ना कि तुम्हें हमारी बात बता दी भाई मारू थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं भी कहूँ ये भी सीख जाओगे चिंता मत करो तुम पांच नंबर गियर लगाना भी सीख जाओगे। मैं तो लगाऊ ही हूँ तो लेकिन एकदम फास्ट है फटाफट और गियर लगे नहीं भाई फटाफट बल्ले लगा हाथ में ना ले लेके दे फटाफट के चक्कर में गियर लेके हाथ में आ जाओ। पहले शुरू शुरू में जब सीखी थी ना चलाना तब मुझे ऐसे लगता था इधर से गाड़ी आ गई इधर से आ गई। अब कैसे लगता है धीरे धीरे समझ में एक सिर्फ अपना खुद का ध्यान रखना है सबका नहीं रखना है। हाँ गाड़ी आएगी चली जाएगी लेकिन अपने को इधर या उधर लेना है तब देखना है कि जिधर लेना है उस साइड में तो गाड़ी नहीं है। सिर्फ अपना ध्यान रखना है पहले ऐसे लगता था इधर से ही आ गई इधर से सब सब पहले सबका ध्यान रखते सबका ध्यान रखती थी क्योंकि नए नए होते हैं ना तो समझ में नहीं आता और खास करके चलो भाई अब ठीक ठाक चला लेती है लगभग लगभग ये सीखी हुई है गाड़ी तो मतलब ये ठीक ठाक है जी पहले मतलब काफी ज्यादा सी मार्केट में भी दे रहा हूं थोड़ी दिक्कत है मार्केट दिमाग में ज्यादा है दिमाग में थोड़ी ज्यादा है बाकी एकदम धीरे धीरे लेके एक तो क्या है कि हमारे एरिया ऐसा है मतलब महिलाएं गाड़ी नहीं चलाती है ना तो कहीं पे भी चलाए तब चारों ओर से सब देखते हैं तब ये ऐसे हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जहीं पे कहीं पे भी खड़े होंगे ना तो खड़े होते ही सब लोग देखेंगे बड़े बड़े शहर है ना उनमें तो ये नॉर्मल है लेकिन हमारी गांव में नहीं है। नहीं शहरों में नॉर्मल तो है बट इसी खाबा पे रेडी शहर में भी अगर जाए ना तो ऐसी ड्रेस को लोग या तो आंटी समझते हैं या गाँव की गंवार समझते हैं इस ड्रेस को। ये ड्रेस पहन के कोई महिला थोड़ी गाड़ी चला सकती है कुछ बड़ा काम थोड़ी कर सकती है। ड्रेस के प्रति लोगों की सोच ऐसी है अगर और अपने राजस्थान में तो आपको पता है 20-22 साल की बीनड़ी में शादी होगी 25 साल की वो भी ऐसी ड्रेस पहनेगी लेकिन ऐसी ड्रेस पहनते कई लोग ऐसे सोचते हैं ये आंटी है मुझे ये नहीं पता है कि ये राजस्थान की पहचान है। और आजकल तो बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं बाहर वाले भी ऐसे देख करके इस ड्रेस के प्रति और राजस्थान के कल्चर के प्रति पहनावे के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। कपड़े भर दिए बेडशीट वगैरह कम्बल वगैरह थी ऊपर रख रखी है मेरे कपड़े भर दिए इतनी उल्टी आई पता नहीं क्या हो गया था दूध पिलाए और कुछ भी नहीं किया दूध में यहाँ मेडिकल से इसके लिए दवाई ली है। गुजर चौक हम लोग जो ब्रिज के नीचे रुक रहे हैं यहाँ पर जूस बनवा रहे हैं मेरे मामा जी वगैरह है वो हरिद्वार जाके आ रहे हैं तो उनके लिए भी जूस बनवा रहे हैं। दो दिन हो गए उधर ही गए थे ऋषिकेश हरिद्वार वापस आ रहे हैं उधर से देसी जी जा गए हैं बताओ बताओ ऋषिकेश जा रहे हैं नीलकंठ है हरिद्वार है कुरुक्षेत्र भी तैयार हो गया आज कुरुक्षेत्र फिर उड़ गया सारे काम ठीक है फटाफट फटाफट हमारा तो पूरे दिन में ठीक होनी है कुछ बना रहा है सुसर हो गए रामता जी का आज समझ बिलासपुर कौन रहे कोई रह गए नेता कौन है छोटो भाई रमन जी रहे ऋषिकेश अच्छा
छोटा भाई है था रात लगा गया पालो ठंड पालो बहुत ज्यादा पानी ठंडो एक आम है 60 रुपए का आम लेके आया था सीजन का पहला आम है एक आम है 60 रुपए आम आम कटा ओके ओके अभी भी 2.5 घंटे का सफर बाकी है कुरुक्षेत्र से निकले हैं यमुनानगर के बाईपास होते हुए पाइंटा साहिब जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा 8 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे और सब जगह खेतों में यहाँ पर भी देखो गेहूं की कटाई चल रही है गेहूं आ गई है फसल आंधी तूफान कुछ तो आया होगा जिससे फसल खराब हुई है देखो हम लोग जो पाउंटा साहिब पहुंच करके क्रॉस भी कर दिया है रात के अंधेरे में लगातार चल रहे हैं करीब 8:30 बजे का टाइम हो गया है रात में चलना बहुत मुश्किल लगता है फिर भी जो रात हो ही जाती है देखने बच्चों को लेके चलते हैं तो बार बार रुकना अब तो रात में और ज्यादा ये रात में तो सिर ने बहुत मुश्किल से रहती नहीं है पता है सर कहाँ से दर्द होता है यहाँ पीछे से दूध प्यादे भी तातो करते यहाँ पर मंडी लगी हुई है तो तरबूज क्या रेट है साप्ताहिक सब्जी मंडी लगी हुई यहाँ पर ऐसे लग रहा है गाजर कैसे थी गाजर ये जबरदस्त अभी मैं ले रहा हूँ लोग रात के अंधेरे में छोटे से गांव के बीच में से आगे जा रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन जो है मुझे भी नहीं पता मैप में मैंने तो लगा रखी है जहाँ जाना है वहाँ की कौन सा एरिया है क्या पता इतना पता है पाउंटा साहिब से 20 किलोमीटर आगे हम लोग उत्तराखंड के अंदर आ गए हैं हेलो 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 ये रूम है आज का हमारा अभी खाना खा के आ रहे हैं पूरे दिन चल के एकदम थक गए खेलेंगे मैं और शिव ने हनी खेल सी जीमा आजा चलो जीमा ये रूम कहाँ पर लिया है इसकी पूरी जानकारी तो कहाँ पे लिया अगले वीडियो के अंदर देंगे इसकी जानकारी अगर आप भी आए ना तो यहाँ पर रुक सकते हैं एकदम घर के अंदर है खाना भी हम लोग घर के अंदर ही खा रहे हैं सुंदर है नी ऊपर देखो हाँ हल्की हल्की ठंड यहाँ पर शुरू हो गई है एक ही दिन में हम सीधा ठंड में आ गए छोटी कौन मोटी है खा ले ये ले रोटी चावल गरम गरम रोटी गरम गरम सीधी खा ले पहले सीधी खा ले खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना भाई Hello.